Welcome to Mishika classes. Our today's topic is artificial intelligence, and this is our class number 6. And today we are going to discuss about the types of AI. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. अब हम करने वाले क्या discuss आज? Types of artificial intelligence. So what are the various types of artificial intelligence? There are mainly three types: ANI, ASI, and AGI. These are the three main types of the artificial intelligence. Now we are going to discuss one by one each of them. सबसे पहले है ANI. The first is ANI, that is artificial narrow intelligence. Artificial narrow intelligence perform the single task. Narrow मतलब कम, जो जिसकी विड्थ होती है, जिसके पास कम पावर होती है, that is called the narrow. तो ये एक ही टास्क को एक टाइम पर कर सकता है. It can perform only single task at a time. तो because अब इसके qualities क्या क्या होती हैं? It has a analyzing image को analyze कर सकता है. It can insight the images, ये क्या images को देख सकता है. स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, आवाज को पहचान सकता है. दीज आर द सिंगल टास्क दैट इट परफॉर्म्स. आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस दैट इज AGI. व्हाट इज AGI? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. तो इट कैन परफॉर्म एन इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव टास्क विद ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज. ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज के साथ साथ ही क्या कर सकता है? क्रिएटिव टास्क को दे सकता है. इंटेलेक्चुअल है, मीन्स परफॉर्म आवाज को अकॉर्डिंगली समझ के कर सकता है. It can take the decision on the basis of previous experience and the knowledge. Previous experience कैसा है, knowledge कैसी है, उसके accordingly ही, उसके basis पे ही ये decisions लेता है. Development is still needed. लेकिन अभी भी इसमें development की requirement है. क्योंकि ये human like capabilities रखता है, तो उसके emotions को, उसके feelings को, उसके thoughts को, ये सब भी होना बहुत जरूरी है, तभी creativity task में इसको help मिलेगी. क्योंकि अभी तो जितना हमने बताया उतना ही क्रिएटिव कर पाता है, तो अपने आप इंडल्ज नहीं कर पाता. बिकॉज ऑफ दैट डेवलपमेंट इज स्टिल नीडेड इन दिस पर्टिकुलर टाइप. AGI के अंदर अभी भी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट इज ASI. ASI इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस. व्हाट इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस? इट मींस सरपास द ह्यूमन कैपेबिलिटीज. ह्यूमंस की जो एबिलिटीज हैं उसको सरपास करना, उसको और बढ़ाना. तो फॉर एग्जाम्पल द एनालिटिकल थिंकिंग. एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या हो गया? सोच, क्रिएटिविटी, कुछ अलग सा करके दिखाने की पावर, परफॉर्मेंस, और अकॉर्डिंगली अपनी परफॉर्मेंसेस को भी इम्प्रूव करना. दिस आर द सुपर इंटेलिजेंसी पावर ऑफ द, या वी कैन से दैट द सरप्राइज ह्यूमन एबिलिटीज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस. एडवांटेजेस क्या है? ये क्या करती हैं? जो टाइप्स हैं, इट रिड्यूस द ह्यूमन एरर. अब जब ह्यूमंस बीइंग करेंगे तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस है, बट दिस इज अ मशीन, तो मिस्टेक के चांसेस क्या हो जाते हैं? ये एरर के चांसेस क्या होते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं. क्योंकि एक बार हमने कोडिंग सेट कर दी, उसने तो उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना है. तो इस वजह से जो ह्यूमन एरर्स के चांस जैसे होता है, काम में मिस्टेक्स होती है, तो वो रिड्यूस हो जाती है. ह्यूमन एरर रिडक्शन होती है. टेक मोर रिस्क देन ह्यूमंस. ह्यूमन से ज्यादा रिस्क हम इस पर ले सकते हैं, क्योंकि इट इज अ मशीन, तो इसमें जितना मर्जी चाहे उतना रिस्क हम इसको ले सकते हैं. अवेलेबल ऑल द टाइम. मशीन है तो उसको थकने की जरूरत नहीं, डिड नॉट नीड एनी रेस्ट. तो दैट्स व्हाई इट इज अवेलेबल ऑल द टाइम 24/7. 2400 घंटे और सातों दिन. 2400 घंटे, 7 दिन, 24/7, 24/7 अवेलेबल ऑल द टाइम. हर टाइम ये अवेलेबल है. हेल्प इन रिपीटेटिव टास्क. बार बार कोई काम करना है तो कॉपी एंड पेस्ट यू कैन डू दैट. दोबारा दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है. तो हेल्प इन रिपीटेटिव टास्क. टेक डिसीजन फास्ट. डिसीजन जो है बहुत जल्दी लेता है, सोचता है, और जैसे दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग चेक करता है अपने एल्गो में, और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन भी बहुत जल्दी ले लेता है. दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास. टू लर्न डाउट इन कमेंट. थैंक यू.